just wanna be happy, happy tonight. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ, सुबह का काम कंप्लीट करने के बाद अभी जस्ट नहा के आई हूँ। ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को मैंने दे दिया है। तो अभी मैं आप सबसे कुछ बोलना चाहती हूँ। आज मेरा बर्थडे है, तो आज है 20 जनवरी, यानी आज मेरा बर्थडे है। तो हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है, जो मैंने पहन के रखा है, तो मैं दिखा रही हूँ ये क्या है। ये एक नाइटी है, लेकिन बहुत ही अच्छा है इसका डिज़ाइन। देखिए, फुल स्लीव है तो ऐसा है। और क्या दिया है जो मैं नहीं जानती थी, सरप्राइज क्या है, छोटा सा सरप्राइज है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत है, जो है ये फ्लावर्स ये दिया है। तो मैं नहीं जानती थी, अगर मैं पहले से जानती थी कि मुझे देने वाले हैं तो मैं ज़रूर उसको शूट करती, वीडियो बना देती, लेकिन नहीं हुआ। तो और ये कैडबरी, बड़ा सा कैडबरी का पैक, फैमिली पैक, तो यही दिया है। ये तो मेरे बच्चे ही खाएंगे, मैं थोड़ी खाऊंगी। तो और ये मेरे लिए बहुत है, ये जो फ्लावर्स है ये मेरे लिए बहुत है, मतलब मुझे इतना पसंद है ना ये जो रोजेस होता है, इसलिए हर बर्थडे को मुझे फ्लावर्स देते ही है। कुछ मतलब गिफ्ट में कुछ भी दे दे, छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ फ्लावर्स ज़रूर होता है रोज़। तो यही है, और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा मतलब रोज़ देख के कौन खुश ना होगा। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं खुद का जो बर्थडे है, खुद के बर्थडे पे खुद ही मैं खीर बनाऊंगी, सिर्फ भगवान के लिए, मतलब पूजा के लिए। तो मैं हर मेरे बर्थडे पे मैं ही खीर बनाती हूँ भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। तो आज मैं शेयर करूंगी, गुड़ पाटाली गुड़ का खीर बनाऊंगी, तो मैं शेयर करूंगी मैं कैसे बनाऊंगी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी कांच के एक ग्लास में मैं पानी भर रही हूँ, तो इसी ग्लास में मैं इस रोज़ को डाल के मैं बेडरूम में सजा के रख दूँगी। तो इसको तो अपने जगह पे सजा के रखना पड़ेगा ना। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ ब्रेड। तो ब्रेड को मैंने सिर्फ थोड़ा सा बटर डाल के बटर में हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो ये जो ब्रेड है, ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है। तो गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो हस्बैंड को निकलना पड़ा सुबह सुबह, तो शाम से पहले ही आ जाएंगे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो देखिए मैंने क्या लिया है। ब्रेड तो लिया है, दो ब्रेड लिया है, साथ में मैंने दो रस्क लिया है। ये जो रस्क है ये अलग कंपनी का है, मतलब ये ब्रिटानिया का नहीं है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं लंच बना रही हूँ। तो देखिए ये जो वेजिटेबल्स आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारा सब्ज़ी है, जैसे फूलगोभी, शीम, बैंगन, पम्पकिन यानी कद्दू, और कच्चा पपीता भी है, और यहाँ पे है मान कोचू यानी टैरो रूट। तो टैरो रूट की सब्ज़ी बनाऊँगी। मान कोचू का सब्ज़ी जो मैं बनाऊँगी थोड़ा सा अलग टाइप का बनाऊँगी, तो आज मैं शेयर करूँगी। फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, तो सब सब्ज़ी डाल के जो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, तो वही मैं अभी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने दिया है तेल में, मैंने दिया है तेल गर्म होने के बाद दिया है दो सूखा लाल मिर्च, और दिया है एक तेज़पत्ता, थोड़ा सा अदरक, और दिया है थोड़ा सा हींग। तो अभी मैं वेजिटेबल्स को ऐड कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स है,
तो मैं एक बार बोल देती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें है बैंगन, आलू, आलू थोड़ा सा दिया है, फूल गोभी है, शीम है और गाजर है और कच्चा पपीता भी मैंने थोड़ा सा दिया है। उसके बाद इसमें पम्पकिन है यानी कद्दू। तो अभी मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, उसके बाद मैंने दिया है छोटे चम्मच का 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे बीच में से काट के दे दिया है। तो उसके बाद दिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर, छोटे चम्मच का 1 चम्मच जीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर। तो अच्छी तरह से मिलाऊंगी थोड़ी देर। फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो फिर उसके बाद ढक के रख दूंगी, तो 10 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं लंच पे बना रही हूँ, दाल तो मैंने बना लिया है, दाल राइस हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ एक मिक्स्ड वेजिटेबल, जैसे उसमें है शीम, बैंगन, पम्पकिन यानी कद्दू, थोड़ा सा आलू भी दिया है और साथ में है फूल गोभी। तो ये सब कुछ डाल के एक सब्जी बना रही हूँ जो दाल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बनाऊंगी एक चीज जिसका नाम है मान कोचू। तो ये है मान कोचू। तो मैंने ऐसे इसका छिलका फेंक के ऐसे काट लिया है। तो इसके साथ कोचू पातुरी भी बनाते हैं। तो कोचू पातुरी तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसके लिए बनाना लीफ चाहिए, केले का जो पत्ता है वो चाहिए। तो केले का पत्ता नहीं है तो इसलिए मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी, अलग टाइप का होगा। और जो बनाना लीफ के अंदर जो पातुरी होता है ना, उसका जो फ्लेवर होता है, मतलब दाल के साथ थोड़ा सा पतोरा हो जाए, पतुरी या फिर पतोरा जो भी हो, बंगाली में बोलते हैं कोचू पातुरी, तो इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है उसका जो फ्लेवर होता है। और मेरे नानी माँ बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। उसका नानी माँ के हाथों का जो पतुरी है वो मैं नहीं शेयर कर पाई। नानी माँ है लेकिन नानी माँ का बहुत एज हो गया है, तो इसी वजह से, नहीं तो 2 साल पहले भी जब यहाँ पे आए थे नानी माँ तो कोचू पातुरी बनाए थे। तो अगर इस टाइम मैं उनके हाथों का पातुरी आप सबके साथ शेयर कर पाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो अभी तो मतलब खाना वाना नहीं बनाते हैं, बहुत ही एज हो चुका है ना, तो इसीलिए। तो चलिए गाइस, आज का लंच थोड़ा सा अलग टाइप का है और रात को सोच रही हूँ कुछ अलग बनाऊंगी, स्पेशल कुछ होगा, मैं बनाऊंगी या फिर मेरे हस्बैंड बनाएंगे, देखते हैं। और तो चलिए आज का लंच बना लेते हैं। तो 10 मिनट बाद सब्जी पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा चीनी। तो मैंने यहाँ पे दिया है, मतलब 1/2 टीस्पून मैंने चीनी दिया है। तो ये जो सब्ज़ी है इसमें थोड़ा सा चीनी दिया जाता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता। तो अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो ये सब्ज़ी जो है सूख चुका है, ये रेडी हो चुका है। तो गर्मा गर्म ये जो सब्ज़ी है दाल राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ास करके ये सब्ज़ी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं बनाऊंगी मान कोचू की सब्ज़ी, टैरोट की सब्ज़ी बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे मान कोचू को ग्रेट कर रही हूँ। इसका छिलका मैंने पहले ही फेंक दिया है, तो अभी इसको ग्रेट कर रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैन चला दिया है, उसके बाद मैंने दिया है थोड़ा सा तेल। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग। तो इसमें थोड़ा सा हींग ही दिया जाता है और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कलौंजी, 5 फोरन, जीरा, ये सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दिया है थोड़ा सा हींग। तो अभी मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टमाटर लिया है और उसमें मैंने बहुत सारा ग्रीन चिली लिया है, तो फाइन चॉप करके ले लिया है। तो अभी इसको मैंने तेल में डाल दिया है, तो थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालूँगी, तो थोड़ी देर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं मान कोचू को जो मैंने कद्दूकस करके रख दिया था वो मैं ऐड कर दूँगी। तो देखिए अभी मैं ऐड कर रही हूँ मान कोचू यानी टैरोरूट। तो अभी मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो नमक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था पहले, मतलब जो टमाटर ग्रीन चिली को थोड़ा सा फ्राई किया है तब भी मैंने नमक डाल दिया था ज़्यादा करके, और अभी मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही टेस्टी है। लेकिन हाँ, इसमें मैंने बोला था कि कद्दूकस करने के बाद इसका पानी मैं फेंक दूंगी अच्छी तरह से निचोड़ के, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं पानी फेंक देती तो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है,
क्योंकि ये थोड़ा सा चटपटा टाइप का बनेगा, इसलिए अगर नमक कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी, तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में इसको बार बार ऐसे ही चलाना पड़ेगा, तो मैंने बहुत बार इसको बीच बीच में ऐसे ही चलाया है। तो जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक इसको बार बार ऐसे ही चलाना पड़ेगा और लो फ्लेम में ऐसे ही रख देना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा गैस का फ्लेम जो है लो करके रख दिया था और बार बार ऐसे ही चलाया था। तो अभी देखिए ये जो मानकुचू है इसका पानी पूरा सूख चुका है, मतलब ये पूरा रेडी हो चुका है। तो देखिए ऐसा मतलब होना चाहिए। तो जब इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब ऐसा ही दिखेगा। अगर इसको मैं बैनाना लीफ के अंदर यानी केले का जो पत्ता है उसके अंदर डाल के बनाती तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखता, लेकिन टेस्ट का तो थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दाल है और यहाँ पे है पनीर की सब्ज़ी बच्चों के लिए। पनीर थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो चुका है आज। और यहाँ पे है मिक्स्ड वेजिटेबल, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है, मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो गाइस यही है आज का सिंपल लंच, सिर्फ मेरे पसंद का है ये कोचू पातुरी। सो गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो मैं अभी भोग के लिए बना रही हूँ खीर, तो भगवान के भोग में दिया जाएगा। तो मैंने सुबह नहीं बनाया था, तो मैंने यही सोचा था कि मैं शाम को बनाऊँगी। तो अभी मैंने डाला है दूध, यानी यहाँ पे है 4 पैकेट अमूल ताज़ा वाला जो मिल्क होता है पैकेट में आता है, तो वही 4 पैकेट मिल्क मैंने यहाँ पे दिया है, मतलब 2 किलो दूध है यहाँ पे। तो इसको मैं पहले बॉयल कर लूँगी, तो ज़्यादा टाइम के लिए मैं बॉयल नहीं करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि 2 किलो दूध को मुझे 1.5 किलो बनाना पड़ेगा बॉयल कर करके, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले से गाढ़ा वाला मिल्क है। तो अमूल ताज़ा का जो मिल्क होता है ये तो गाढ़ा वाला ही होता है, और नॉर्मली जो काव मिल्क होता है वो तो थोड़ा सा पतला होता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने राइस 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये है गोविंदभोग राइस। तो जब भी हम खीर बनाते हैं गोविंदभोग राइस से ही बनाते हैं। और ये है पाटली गुड़, और साथ में है 2 बेलिप्स यानी तेज़पत्ता। और यहाँ पर मैं काजू किशमिश इलायची ये सब कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि गुड़ का जो खीर होता है उसमें कुछ भी अगर ना डालो तो ही अच्छा है, ज़्यादा कुछ डालने से गुड़ का जो फ्लेवर है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से दूध को बॉयल करने के बाद मैंने चावल ऐड कर दिया है, गोविंदभोग राइस जो मैंने भिगो के रख दिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो चावल ऐड करने के बाद लो फ्लेम में थोड़ी देर चावल को ऐसे ही पकाना होगा जब तक चावल नरम ना हो जाए। तो यहाँ पर चावल नरम हो चुका है, तो अभी मैं गुड़ ऐड करूँगी। तो ये जो पाटली गुड़ है अभी मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये आप देख रहे हो मैंने इसको नहीं पीसा है, मतलब ऐसे ही दे दिया है, क्योंकि ये जो इतना गर्म है ना इसमें ऐसे ही पिघल जाएगा, इसको हाथों से ऐसे पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं जब भी पाटली गुड़ का खीर बनाती हूँ तो मैं गुड़ को ऐसे ही दे देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एकदम पिघल जाता है, क्योंकि खीर तो बनने में टाइम लगता है। मतलब खीर को जितना आप लो फ्लेम में रख के ऐसे ही चलाओगे, जितना देर तक आप लो फ्लेम में रख दोगे उतना ही टेस्टी खीर बनता है। तो अभी देखिए मैंने थोड़ा सा गैस का जो फ्लेम है थोड़ा सा हाई कर दिया था, तो अभी फिर से मैंने लो कर दिया है। तो गैस का फ्लेम लो करके मैंने बार बार चला के खीर को बना लिया है। देखिए खीर रेडी हो चुका है, और ये जितना ठंडा होगा उतना गाढ़ा बनता जाएगा। खीर रेडी होने के बाद मैंने भगवान के भोग के लिए पहले दे दिया है, तो उसके बाद अभी मैं दिखा रही हूँ। तो भोग हो चुका है, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, जैसे अभी 7 बज चुके हैं, तो अभी हम सब खीर खाएंगे, आप सब भी आ जाइए। और ये जो गुड़ का खीर होता है गोविंदभोग राइस के साथ, ये खीर इतना टेस्टी होता है, मतलब अगर कोई एक बार खाएगा तो बार बार मांगेगा, तो इतना ही टेस्टी होता है। मतलब चीनी का जो खीर होता है ना, चीनी का जो खीर बनाते हैं हम चावल के साथ, उससे कई ज़्यादा टेस्टी होता है ये पाटली गुड़ का ये चावल का खीर। और देखिए अभी भी गर्म है, मतलब 1.5 घंटा होने वाला है मैंने खीर बनाया है, तो अभी भी गर्म है। तो गर्मा गर्म खीर भी अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा वाला जो खीर होता है ना उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, मतलब ठंडा वाला खीर ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो आज मेरा बर्थडे है तो इसीलिए हस्बैंड घर आने के टाइम केक लेके आए हैं। तो देखिए, और बच्चों के साथ अभी मैं केक काटूंगी और इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। तो बाय बाय, टेक केयर।